कंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल का मतलब यहां पर क्या है? यहां पे कंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के अंदर यह बताया गया है कि सपोज आपके पास एक, जैसे सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है आपके पास R2, और ये किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। या फिर आपके पास एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरी रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल में। ये भी क्लियर है? फिर हमने ये काम लिक्विड्स में भी किया था, एक पाइप है एक और पाइप है, तो ये पाइप्स किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। फिर हमने किया था एक पाइप है और ये दूसरी पाइप है, ये रही, ये किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल में, सीरीज में और फिर पैरेलल में। नेक्स्ट है, सपोज करो आपके पास एक मटेरियल है K1 थर्मल कंडक्टिविटी है, एक और मटेरियल है K2 थर्मल कंडक्टिविटी है, और उसी तरीके से आपके पास एक और मटेरियल है कुछ ऐसे, तो सच दैट ऊपर वाला K1 और नीचे वाला K2, तो मतलब ऊपर की स्लैब अलग है नीचे की स्लैब अलग है। तो जब हम बात करते हैं सीरीज में, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं, सीरीज के अंदर चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू रेजिस्टर्स में क्या रहती है? सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 क्या होता है? डिफरेंट। कि हमने पैरेलल के अंदर करंट I डिवाइड हो जाएगा I1 एंड I2 में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V एंड V दोनों के अंदर क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम, राइट। फिर पाइप्स में लिक्विड फ्लो करता था, तो क्या किया था? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, लिक्विड करंट का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों पाइप्स में एग्जैक्टली सेम है, याद है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पाइप्स में सीरीज है, अगर पाइप्स किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू P1 एंड P2 की वैल्यू यहां पर क्या है? डिफरेंट है, तो P1 P2 डिफरेंट है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, तो इसके अंदर पैरेलल के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू यहां से आई, तो यहां पे और यहां पे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड में एग्जैक्टली डिफरेंट है, मींस डिवाइड हो जाएगी, लेकिन प्रेशर की वैल्यू याद करो दोनों में एग्जैक्टली क्या थी? सेम थी। ऐसे किया हमने लिक्विड्स में। अब बात करते हैं किसकी? हीट की। तो यहां पे हीट जाएगी, तो हीट करंट यानी कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 एंड T3 टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट रॉड में एंड सेकेंड रॉड में डिफरेंट है। तो जब कंडक्टर सीरीज में है तो हीट करंट सेम है, हीट करंट का मतलब अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, लेकिन पैरेलल के अंदर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड अगर इस फेज से आती है तो इसमें से कुछ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड ऊपर निकल जाती है और उसी तरीके से कुछ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड नीचे से निकल जाती है, ऐसे। तो यानी कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड ऊपर और नीचे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्यों सेम क्यों नहीं है? स्लैब की विड्थ भी सेम है, चलो ये भी सेम है, तो सेम क्यों नहीं है? अलग कंडक्टिविटी डिफरेंट है, एक गुड कंडक्टर है और थोड़ा सा कोई गुड कंडक्टर नहीं है। तो अगर बहुत अच्छा कंडक्टर तो ज्यादा हीट कंडक्ट कर देगा और नीचे वाला कम कर पाएगा, किस वजह से क्या होगा? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों में डिफर करेगी। लेकिन इस फेस का टेम्परेचर अगर T1 है और इस फेस का टेम्परेचर T2 है तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों कंडक्टर में एग्जैक्टली सेम है, ठीक। तो एक तरीके से जब भी मैं ये सीरीज पैरेलल करवाता हूँ तो हमेशा इकट्ठे ही करवाता हूँ। जब मैंने ये करवाया था तो मैंने रेजिस्टेंस के साथ किया था, जब मैंने ये करवाया फिर दोनों पीछे, ताकि आपको ना रिलेट करना ईजी हो जाए कि सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, मान लो दो कंडक्टर सीरीज में है, एक की लेंथ D1 है एक की लेंथ D2 है, टेम्परेचर T1 T2 T3 है, रेजिस्टेंस इस पोर्शन की R1 है इस पोर्शन की R2 है। मैं ये चाहता हूँ कि दो कंडक्टर की जगह मैं एक कंडक्टर यूज करूँ जिसकी लेंथ D1 प्लस D2 है और थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 की जगह K है और मुझे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K निकालनी है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2, तो सच दैट जो ये दो मिलके करती हैं वो अकेला ये करें। दो मिलके क्या करती हैं? हीट कंडक्ट करती हैं पर सेकेंड, तो ये अकेली भी क्या करेगी? उतनी ही हीट कंडक्ट करेगी पर सेकेंड जो दो मिलके करती हैं। तो इसके अंदर
सबसे पहली चीज, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली क्या है, दोनों रॉड में सेम है बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका ए है तो इसका ए है, तो इसका भी ए है और इसका भी एग्जैक्टली ए है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। हमने थर्मल रेजिस्टेंस लास्ट टाइम की थी, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, डी डिवाइडेड बाई के इन टू ए या एक्स डिवाइडेड बाई के इन टू ए। तो पहली थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, डी वन के वन ए, सेकेंड में क्या है, डी टू के टू ए, और दो रॉड की जगह जब एक रॉड लगेगी तो डी क्या हो जाएगा, डी वन प्लस डी टू के एस इन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका भी ए। ए ए ए कैंसल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो इसके अंदर डी वन डी टू की वैल्यू डी है, मीन्स डी वन और डी टू की वैल्यू, वैसे ही आंसर आ गया। पर ज्यादातर न्यूमेरिकल के अंदर जो लेंथ है दो रॉड्स की वो सेम गिवन होती है, तो डी वन और डी टू की लेंथ सेम है अगर डी, तो हर जगह डी वन प्लस डी टू टू डी, ये डी और ये डी, तो डी 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 कैंसल। आंसर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, सब्जेक्टिव में प्रूफ नहीं आता इसका, ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आएगा कि अगर दो जो कंडक्टर्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज के वन एंड के टू है, तो बताओ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी दोनों को मिला के, ये होगी। ये आपने याद रखना है, सीधा मार्क करना है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, जब ये सीरीज में होंगे तो क्या करना है, ठीक उसी तरीके से ये फॉर्मूला नोट किया जा सकता है फॉर्मूला बुकलेट में कि टू कंडक्टर्स आर इन सीरीज, तो टू अपॉन के एस इज वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। नेक्स्ट है कंडक्टर्स इन पैरेलल। कंडक्टर्स पैरेलल में एक कंडक्टर दो कंडक्टर, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। मैंने बताया अगर इस फेस का टेम्परेचर T1 है और इस फेस का T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 K1 K2, और एरिया जरूरी नहीं कि स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर हो, तो एक स्लैब इतनी एक स्लैब इतनी, तो इनमें एरिया क्रॉस सेक्शन कैन चेंज। तो इसमें हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड हो जाएगा H1 प्लस H2 बताया मैंने, पर हम सीधा रिजल्ट लगाएंगे पैरेलल का। तो अगर हम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का रिजल्ट याद करें इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये रिजल्ट है। तो R1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, R1 की वैल्यू D, D डिवाइडेड बाय, क्योंकि लेंथ दोनों कंडक्टर्स की एग्जैक्टली सेम है, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टर आएगा उसकी लेंथ भी सेम आएगी, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टर आएगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर इसका A1 इसका A2 तो टोटल कितना A1 प्लस A2, तो जो नई स्लैब बनेगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 प्लस A2 बनेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं, फर्स्ट स्लैब में डी डिवाइडेड बाय के वन इंटू ए वन करो, करेक्शन है यहाँ पे, सेकंड के लिए डी डिवाइडेड बाय के टू इंटू ए टू करो, और आपके पास ये रिजल्ट आएगा। जो नई स्लैब बनेगी उसकी लेंथ तो डी रहेगी पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन प्लस ए टू और थर्मल कंडक्टिविटी के पी। तो यहां से रीअरेंज करो, यहां पे ए वन करो, यहां पे ए टू करो, रीअरेंज करके ये टर्म आएगी ए वन ए टू कर लो, ठीक। एंड में फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला बुकलेट में इसका। तो यहां से अगर मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों स्लैब्स का सेम है, तो हर जगह ए वन और ए टू को ए पुट करेंगे, तो ए वन प्लस ए टू टू ए, ये ए और ये ए, ए ए ए कैंसिल। तो ये फॉर्मूला नोट करें, जब दो कंडक्टर्स पैरेलल में हैं तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम देता है, तो आंसर आता है के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई टू। तो ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आए, अगर कंडक्टर सीरीज में है, सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला, पैरेलल के अंदर ये फॉर्मूला, ये याद करें। प्रूफ तो नहीं देखा मैंने।